नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ, किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि धन उधार लेंगे तो उससे आपके किसी रिश्तों में दरार पड़ सकती है, इसलिए धन उधार लेने से बचना है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ निराशा भरा हो सकता है। आप अपने किसी काम के पूरा ना होने से भी उदास रहेंगे। आज आप अपने मन में चल रही बातों को किसी से शेयर करने से बच रहे हैं, नहीं तो वह इसका फायदा उठा सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहेगा। आपके परिवार के किसी सदस्य को पुरस्कार मिलने से आपका व आपके कुल का नाम रोशन होगा। आप अपने बढ़ते हुए खर्चों को लेकर परेशान दिख रहे हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक आज दिन परोपकार के कार्य में व्यतीत करेंगे। आज आप किसी काम में दिल खोलकर निवेश करेंगे तो वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन आपको आज छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है या संभावना बन सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज आपकी कुछ योजनाएं आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आएंगे। आपके माता जी की सेहत में यदि कुछ गिरावट चल रही है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, नहीं तो यह बीमारी एक बड़ी परेशानी को न्योता दे सकती है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आप अपनी अच्छी सोच का कार्य क्षेत्र में लाभ उठाएंगे और आपको आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें। राजनीति में कार्यरत लोग आज किसी बड़े नेता से मिल सकते हैं जिनसे वह अपने किसी काम के लिए सिफारिश भी कर सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए दिन व्यवसाय में अच्छा लाभ लेकर आएगा। आज आप इनकी अपनी जो इनकम है उससे संतुष्ट रहेंगे और जिसके कारण आप अपने खर्चे भी खुलकर करेंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारियों में जमकर मेहनत करनी होगी, तभी वह सफलता हासिल कर पाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। लेकिन आपको आज अपने जूनियर्स का मदद से काम करने की जरूरत है और आज आप उन्हें खुशी से कोई भी उपहार भी दे सकते हैं। धनुराशि। धनुराशि के जातक जो हैं आज एक्स्ट्रा एनर्जी से भरपूर रहने के कारण अपने से ज्यादा दूसरों के कामों में ध्यान लगाएंगे। यदि आपने किसी को बिना मांगे सलाह दी है तो उसके लिए बाद में आपको पछतावा हो सकता है, सावधान रहें। आपकी कोई बात आज परिवार में किसी सदस्य को बुरी लग सकती है, इसके लिए आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए पारिवारिक रिश्तों में यदि कुछ अनबन चल रही है तो उसमें आपको चुप रहना होगा, नहीं तो आपका किसी से कोई बात विवाद हो सकता है। आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी में लगे हैं तो अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक आज कार्य क्षेत्र में भी मौज मस्ती करके कार्य करेंगे और लोगों को प्रसन्न रखेंगे। लेकिन आज आप अपने किसी मित्र के लिए सरप्राइज पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं जिसमें कुछ धन व्यय होगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। लेकिन विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा के परिणाम आने से प्रसन्नता बनी रहेगी और परिवार के लोग भी प्रसन्न रहेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं उन्हें भी आज कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। ज्योतिष शास्त्र की एक और शाखा है अंक शास्त्र, जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी आप भूत भविष्य और वर्तमान जान सकते हैं। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता, साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, 10, 19 और 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व जी हाँ सूर्यदेव करते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित रुके कामों को आज पूरा करेंगे सूर्यदेव। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से भी मुलाकात करवाएंगे सूर्यदेव। परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा पर जाने का कार्यक्रम आप बनाएंगे और मित्रों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें। उपाय कर सकते हैं गायत्री मंत्र का पाठ। मूलांक 2, 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चंद्रदेव करते हैं। आज किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना नुकसानदायक रहेगा। आपके काम में रुकावटें
डालने का आपके शत्रु प्रयास करेंगे। कारोबार में भी कोई मशीनरी खराब ही होगी जिसको ठीक कराने के लिए पैसा थोड़ा ज्यादा व्यय होगा। उपाय के तौर पर रात्रि में दूध का सेवन करने से बचना है। मूलांक 3, 3, 12, 21 और 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। आज मेहनत से किए गए सभी कामों के उचित परिणाम आपको मिलेंगे। नौकरी में भी अच्छे काम की उच्च अधिकारी सराहना करते नजर आएंगे। दूसरों की तरक्की से जलन की भावना उत्पन्न हो सकती है, उनसे बचे सोना धारण कर उपाय कर सकते हैं। मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। सोच समझ कर किए गए निवेश से भविष्य में लाभ मिलेगा। आज नौकरी में बदलाव के बारे में भी विचार हो सकता है। ससुराल पक्ष से कोई रिश्तेदार घर में अतिथि बनकर आएगा। बिजली का कोई उपकरण खराबी होने की संभावना है। उपाय करना है सरस्वती माता की आराधना करके। मूलांक 5, 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। आज दिन भर ऊर्जा से आप भरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में रुके काम आज गति प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। घर में माहौल सुखद रहेगा। दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश करेंगे आप। भाई बहनों के बीच तो सामंजस्य बना है, अलग से उपाय अगर करना है तो बहनों को कुछ उपहार में दें। मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आलस्य के कारण किसी जरूरी काम को न करने का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। दूसरों की अपेक्षा अपने निर्णयों पर विश्वास रखें। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और उपाय में लक्ष्मी माता की आराधना करनी है। मूलांक 7, 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव कर रहे हैं। संतान को आपके अच्छे मार्गदर्शन के कारण कोई उपलब्धि मिलने की संभावना है। किसी पुराने मित्र के साथ मुलाकात कर पुरानी यादें तो ताजा होंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन सामान्य रहेगा। उपाय, गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित करें। मूलांक 8, 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। दिन भर आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी दक्षता आपके पदोन्नति के रास्ते प्रशस्त करेगी। कारोबार में आपका दबदबा बना रहेगा और प्रॉपर्टी का काम करने वाले व्यक्तियों को तो लाभ ही लाभ है आज। उपाय, काले तिल जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। मूलांक 9, 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव कर रहे हैं। विद्यार्थी जो आज हैं वो अपने करियर को लेकर दुविधा में पढ़ सकते हैं। संतान को गतिविधियों पर आपकी नजर होनी चाहिए। खर्चों की अधिकता के कारण तनाव भी हो सकता है और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। इसका लाभ उठाएं। उपाय कर सकते हैं सुंदरकांड का पाठ करवाएं। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 8, 2023 रविवार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय 6:24 सुबह, सूर्यास्त शाम 6:04 पर, चंद्रोदय 8 अक्टूबर सुबह 12:39 पर एवं चंद्रास्त 8 अक्टूबर दोपहर 2:38 तक। तिथि कृष्ण पक्ष नवमी 7 अक्टूबर सुबह 8:08 से 8 अक्टूबर सुबह 10:13 तक। कृष्ण पक्ष दशमी 8 अक्टूबर 10:00 सुबह 13 तक एवं 9 अक्टूबर दोपहर 12:37 तक। नक्षत्र पुष्य 7 अक्टूबर रात 11:57 से 9 अक्टूबर रात 2:45 तक। आश्लेषा 9 अक्टूबर रात 2:45 से 10 अक्टूबर सुबह 5:40 तक। करण गर 7 अक्टूबर रात 9:07 से 8 अक्टूबर सुबह 10:13 तक। वणिज 8 अक्टूबर सुबह 10:13 से 8 अक्टूबर रात 11:23 तक। विष्टि 8 अक्टूबर रात 11:23 से 9 अक्टूबर दोपहर 12:37 तक। योग सिद्ध 8 अक्टूबर सुबह 6:02 से 9 अक्टूबर सुबह 6:50 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:36 से शाम 6:04 तक। यमगण दोपहर 12:14 से दोपहर 1:41 तक। कुलिक दोपहर 3:09 से शाम 4:36 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:30 से शाम 5:17 तक। वर्जम का समय शाम 5:09 से शाम 6:57 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त
सुबह 11:51 से शाम 12:37 तक, अमृत काल रात 7:36 से रात 9:23 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से सुबह 5:36 तक। ये तो थे आज के राशिफल, अंक, राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख समृद्धि और आयोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्यदेव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरणगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्यदेव की आरती करें, 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्ति पीठ है, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप है, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है।
जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन आठों भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन आठ भैरवों के साथ आठ भैरवियों की भी पूजा की जाती है जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में पांच भैरव, पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य तीन सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आठों भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यान्ह में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी, अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने चार मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और दो बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर, मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है।
दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातलवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहां शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ा खाड़ बटुक भैरव मंदिर नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ा खाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।